हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाइस आप लोग जो है रूबिक ट्रेड ऐप में जो है एक नया रियल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक नया अकाउंट आप जो है कैसे बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोग को जो है यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को गाइस आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो में आपको जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप लोग जो है नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जो है सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको रूबिक ट्रेड एप्लीकेशन में जो है नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, यानी कि नया अकाउंट बनाने के लिए, सबसे पहले आपको जो इस वाले एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से लोडिंग लेता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है वेट कर लेना है, ठीक। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आप इस तरीके से ऑप्शन आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्किप। सिंपली आपको जो है स्किप का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वहाँ पर क्लिक करेगा कुछ इस तरीके से फिर से यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कट का आइकन बना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको जो है देखने को मिलेगा। तो अब आपको गाइस क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हैं नीचे के साइड में यहाँ पे लिखा है मोर, सिंपली आपको मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग ऊपर के साइड में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टैप टू साइन इन, सिंपली आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेगा उसके बाद गाइस आपको जो है नया अकाउंट बनाने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, और नीचे के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी तो आप जो है यहाँ से नया अकाउंट बना सकते हैं। अगर गाइस आप लोग ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं और उसे साइन इन करना चाहते हैं, यानी कि लॉग इन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे जो है नया अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे जो है एक ईमेल आईडी को डालना है, कोई सा भी जो भी आपका एक ईमेल आईडी होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो है एक ईमेल आईडी डाल लेता हूँ, ठीक। तो जो भी मेरा एक ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। आप लोग सिंपली आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और उसके बाद गाइस आपको एक यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और आपका जो पासवर्ड है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं पासवर्ड भी डाल लेता हूँ अपना। पासवर्ड इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक डब्बा बना है, इसमें आपको क्लिक करके टिक कर देना है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है ओपन अकाउंट, तो सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। या जैसे क्लिक करिएगा तो आप लोग का अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं लॉगिन सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखना चाहते हैं कि आपका अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका जो अकाउंट है यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो है शो हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग जो है रूबिक ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर अपने अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।